माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज, जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसमें कितने साइज के हम इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हैं, जो हमें टास्क परफॉर्म करना है वो कितने साइज का हो सकता है। जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कमांड होती हैं हमारे माइक्रोप्रोसेसर की, एक पर्टिकुलर डाटा या टास्क जिसको हमने परफॉर्म करना है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑपरेशन कोड यानी ऑप कोड, यानी कि जो टास्क हमने परफॉर्म करना है उसे ऑप कोड बोलते हैं या ऑपरेशन कोड बोलते हैं। और सेकंड डाटा जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट, यानी जिस डाटा के साथ हमने परफॉर्म करना है उसे ऑपरेंट बोलते हैं। ये तीन तरह की होती हैं, 1 byte इंस्ट्रक्शन, 2 byte इंस्ट्रक्शन एंड 3 byte इंस्ट्रक्शन। एक बाइट में टोटल 8 bits होती हैं और ये तीन तरह की इंस्ट्रक्शन हम, यानी तीन तरह के वर्ड साइज हम फॉलो करते हैं माइक्रोप्रोसेसर में। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 byte इंस्ट्रक्शंस की। जैसे कि हमारा जो हमने टास्क परफॉर्म करवाना है ऑप कोड, ऑप कोड यानी कि हमने अपने डाटा के साथ क्या करना है, ये है MOV। ऑप कोड हमारा MOV यानी हमने मूव करवाना है अपने डाटा को, कॉपी करना है अपने कंटेंट को एक्यूमुलेटर से रजिस्टर सी में, यानी कि ए से सी में अपने डाटा को कॉपी करना है। ये चीज़ याद रखें कि जो हमारा डाटा है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की साइड जाता है, तभी ये ए से सी की साइड जा रहा है। ए हमारा एक्यूमुलेटर है, सी हमारा कोई भी रजिस्टर हो सकता है। यानी और ये है बाइनरी कोड, यानी कि जो हमारा एक्यूमुलेटर में डाटा पड़ा है वो है हमारा ये वाली बाइट। ये इसमें सिर्फ 1 byte यानी कि एक बाइट में टोटल 8 bits होती हैं, ये है 1 byte। ये डाटा हमारे एक्यूमुलेटर में पड़ा है जिसको हमने सी में मूव करवाना है। इसका हेक्स कोड है 4FH। 4 हमारा, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 4 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो F है। H हमारे मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारी ऐड। ऐड मतलब एडिशन करना, यानी हमारे जो कंटेंट पड़ा है रजिस्टर B में यानी ऑपरेंट, ये हमारा ऑपरेंट जो कि हमारा B में हमारा डाटा पड़ा है जिसको हमने ऐड करवाना है अपने एक्यूमुलेटर में। जब कुछ नहीं दिया होता उसका मतलब है कि उस डाटा को एक्यूमुलेटर में ही ऐड करवाना है। ये ऑप कोड हमारा ऐड करवाना है, ऑपरेंट हमारा यानी B के डाटा को हमने एक्यूमुलेटर में ऐड करवाना है। यानी जो हमारा B में डाटा पड़ा है वो है ये 1000 एंड 40000, यानी कि अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 8 और इसको 0, 80H। H हमारे मेमोरी लोकेशन शो करता है, मेमोरी को शो करता है और ये इसका हैक्स कोड है। इस और इसमें देखो 1 byte का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसे 1 byte इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करेंगे 2 byte इंस्ट्रक्शंस की। सबसे पहले हमने सेम वही प्रोसेस है, इसमें सिर्फ 2 bytes यानी 16 bits का यूज़ होगा, यानी कि हमने लोड MVI लोड करवाना है अपने 8 bit डाटा को एक्यूमुलेटर में। इसमें जैसे कि हमारा जो ये 3E जो फर्स्ट बाइट है, ये हमारी फर्स्ट बाइट है, ये 2 second byte है, इसको लोड करवाने के लिए हमें 2 bytes की मेमोरी का ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट बाइट जो हमारी होती है ये हमारी स्पेसिफाई करती है ऑपरेशन कोड को, और सेकंड बाइट हमारी ये ऑपरेंट को स्पेसिफाई करती है। और हमने इस डाटा को एक्यूमुलेटर में लोड करवाना है और इसलिए ही इसको 2 byte इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 bytes का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है हमने लोड करवाना है 8 bit डाटा को अपने रजिस्टर बी में, यानी कि जो हमारा लोड करवाना है MVI लोड करना है F2H डाटा रजिस्टर बी में। इसमें भी हम 2 bytes का यूज़ करेंगे, यानी कि 2 byte इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें फर्स्ट बाइट ये वाली है जिसका हेक्स कोड है 06 और सेकंड बाइट है जिसका हेक्स कोड है F2 और इसको हमने अपने बी रजिस्टर में लोड करवाना है। ये हमेशा लेफ्ट से राइट की साइड लोड होती हैं। नेक्स्ट है हमारी 3 bytes इंस्ट्रक्शन। 3 bytes इंस्ट्रक्शन जिसमें हम 3 bytes का यूज़ करेंगे। देखो हम LDA, LDA मतलब लोड टू एक्यूमुलेटर, यानी कि हमने अपने जो हमारा ऑपरेंट है वो है 2050H, यानी 2050 मेमोरी लोकेशन पे हमारा जो भी डाटा पड़ा है उसे हमने लोड करवाना है अपने एक्यूमुलेटर पे लोड करवाना है। इसमें 3 bytes का यूज़ करेंगे। ये देखो सबसे पहले 3A, ये तो है हमारा जो हमारा कंटेंट है जो कि हमारे ऑपरेशन कोड को स्पेसिफाई करता है। 50 हमारी मेमोरी लोकेशन है जो 2050 है।
50 हमारी लोअर मेमोरी लोकेशन है और 20 हमारी हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस है। ये हमारा लोएस्ट, सबसे पहले हम लोएस्ट ऑर्डर एड्रेस लेते हैं, सेकंड हम हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस लेते हैं। ये हमारी 3 bytes बनती हैं और इसको हम लोड करवाते हैं अपने एक्यूमुलेटर में। इसमें 3 bytes मेमोरी की ही ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारा जंप, यानी हमें जंप करवाना है अपने 2085 मेमोरी लोकेशन के डाटा को। इसमें भी हम 3 bytes का यूज़ कर रहे हैं। ये C3 हमारा ओपकोड को शो कर रहा है और ये हमारी लोएस्ट सिग्निफिकेशन लोएस्ट ऑर्डर और ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर एड्रेस, और हम 3 bytes के डाटा को हम लोड करवाएंगे अपने एक्यूमुलेटर में। इस तरह से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और 3 types की इंस्ट्रक्शंस को हम इस तरह से लोड करवाते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।